जय हिंद दोस्तों, इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एज वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर कि जब पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लेकर आए थे तो उसमें एक रेजोल्यूशन ये भी था, एक डिमांड ये भी थी कांग्रेस की तरफ से कि अगर आपने लाहौर सॉरी दिस नेहरू रिपोर्ट की मांगे नहीं मांगी मानी तो वी विल लॉन्च अ मास मूवमेंट वेन एवर वी फील नेसेसरी, एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज one of the outcome of that. So we'll be looking at the questions of this movement. The first question here is, at which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience movement? So it was authorized on Lahore, in Lahore session 1929. And Mahatma Gandhi was assigned to lead the movement in the second meeting of Congress working committee, jo ki February 1930 mein hui thi, Sabarmati Ashram mein. Which one of the following began with Dandi March? Civil disobedience movement शुरू होता है डांडी मार्च के साथ. महात्मा गांधी ने अपना famous डांडी मार्च शुरू किया था accompanied by his trusted volunteers from साबरमती आश्रम March 12, 1930 को. The march was over 241 miles from Gandhi's ashram in साबरमती to Gujarat's coastal village of Dandi. Volunteers 24 दिन तक they walked on foot and ऑन 6 अप्रैल 1930 ये लोग पहुँचते हैं डांडी और सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग द सी वाटर. यहाँ से शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. लीडर लाइक सी राजगोपालाचारी टोक अप द सॉल्ट मार्च इन तमिलनाडु फ्रॉम त्रिचिनोपोली टू वेद्रायम. ठीक है, तो डांडी मार्च के साथ ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है. 12 मार्च 1930 को ये मूवमेंट शुरू होता है, डांडी मार्च शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को ये लोग पहुंचते हैं 24 दिन की यात्रा के बाद. सो डांडी मार्च वॉज अंडरटेकन इन 1930. व्हेन डिड डांडी मार्च बिगिन? सो इट बिगेन ऑन 12 मार्च 1930. गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम, तो गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट किया साबरमती से. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रही इन महात्मा गांधीज डांडी मार्च? तो सबसे ज़्यादा सत्याग्रही जो थे वो साबरमती से शुरू किया था, तो याद रखिएगा साबरमती गुजरात में है, तो गुजरात से ही सबसे ज़्यादा सत्याग्रही इनके साथ थे. ठीक है, द नंबर ऑफ फ्यू सत्याग्रही विद द रिस्पेक्टिव स्टेट्स आर नोन एज आर फॉलोज. गुजरात से 31 थे, तो सबसे ज़्यादा गुजरात से हुए, फिर महाराष्ट्र से 13 उसका उल्टा, देन यूपी 8, कच्छ 6, केरला 4, पंजाब 3, राजपुताना 3, बॉम्बे 2, दादूभाई और हरिलाल, देन सिंध 1. देखिए बॉम्बे उस समय अलग प्रेसिडेंसी थी. सिंध 1, आनंद हिंग्रोनी, नेपाल से एक थे महावीर, तमिलनाडु से तपन नायर, आंध्रा से सुब्रमण्यम, उत्कल से मोतीबा दास, कर्नाटका से महादेव मार्तंड, बिहार से गिरिधारी चौधरी, बंगाल से दुर्गेश चंद्र दास. In which of the following movements women's participation is considered to be the maximum? तो maximum women participation देखने को मिला salt सत्याग्रह में out of these. ठीक है, non-cooperation, salt सत्याग्रह, बारदोली और क्विट इंडिया में से सबसे ज़्यादा जो women participate किया वो large scale पे civil disobedience movement में किया. दो गांधी visualized a supportive role for women but they started getting impatient and demanded a more active role. So Gandhi chosen women for a higher role in picketing of liquor and foreign clothes shops. बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर नॉन वायलेंस. सरोजिनी नायडू ने इस मूवमेंट को लीड किया और रेड दिया धरसाना सॉल्ट वर्कस में. ठीक है, तो गांधी जी इनिशियली गांधी जी को लग रहा था कि एक सपोर्टिव रोल ही मिलेगा, बट द वुमेन ऑफ द कंट्री दे वर वेरी इंपेशेंट एंड दे वॉन्टेड अ एक्टिव रोल. तो गांधी जी ने उनको लिकर पिकटिंग और फॉरन क्लोथ शॉप्स को के पिकटिंग के लिए चूज़ किया. Why? Because non-violence जो है male dominated एक region भी है एक तरीके से, sorry जो violence जो है वो एक male dominated region भी है. महिलाएं शायद थोड़ा बेहतर तरीके से conditions को serve कर सकती हैं, तो उनको लगा कि non-violence के लिए सबसे बेहतर जो इस समय जो होंगी वो महिलाएं रहेंगी. So who among the following participated in the salt सत्याग्रह? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो ये सब ने ही पार्टिसिपेट किया था. व्हाट वाज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ गांधी सॉल्ट सत्याग्रह? अल्टीमेट गोल क्या था? रिपील ऑफ सॉल्ट लॉ, कर्टेलमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स पावर, इकोनॉमिक रिलीफ टू कॉमन पीपल, पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया. तो देखिए ब्रिटेन का जो सॉल्ट एक्ट था 1882 का, उसने प्रोहिबिट किया था इंडिया को कि वो ना तो कलेक्ट कर सकता है सॉल्ट ना ही बेच सकता है.
दे कैन ओनली बाय इट, सिर्फ उसको खरीदा जा सकता है, और फाइनेंशियल बर्डन भी इन पे पड़ रहा था, जो चीज़ हमारे देश में बहुतायत में है उसी को हमको खरीदना पड़ रहा था, और बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर्स। तो गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और गवर्नमेंट की पावर को कर्टेल किया। इसके साथ ही साथ प्रेशर भी डाला फॉर रिपील ऑफ सॉल्ट लॉज, हैंस मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट। पूर्ण स्वराज इसका एम नहीं था, ऑल्दो पूर्ण स्वराज जो एम था वो कांग्रेस सेशन 1929 में लिया गया था। 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था, कहाँ से? तो ये स्टार्ट किया गया था दांडी से। देखिए यात्रा सॉल्ट लॉ की साबरमती से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से गए दांडी, और दांडी में सॉल्ट लॉ जैसे ही तोड़ा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम सविनय विनय के साथ आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, ठीक है, आपकी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरी विनय के साथ आपकी अवज्ञा हम कर रहे हैं। सो महात्मा गांधी ने 12 मार्च को ये शुरू की है, 78 या 80 वॉलंटियर्स उनके साथ गए थे इन फेमस डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। डांडी जो है वो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, और सॉल्ट लॉ वॉयलेट किया, 390 किलोमीटर 24 दिन में ये जो रास्ता था वो तय किया गया। डांडी मार्च कितने दिनों तक हुआ? तो 24 दिन तक हुआ। विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? महात्मा गांधी वॉज नॉट पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी एंड के एम मुंशी, देवर पनिश फॉर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी, बी जी खैर, महादेव देसाई, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल, इन सबको कन्विक्ट किया जाता है अवार्ड फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। गांधी जी को अरेस्ट किया गया था आफ्टर ही ब्रोक सॉल्ट लॉ 6 अप्रैल को ही, ठीक है, तो 6 अप्रैल को ही डांडी में ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये गलत है कि गांधी जी को नहीं गिरफ्तार किया गया था, ही वॉज इम्प्रिजेंट। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद, तो ये स्टार्ट होता है डांडी मार्च के साथ। डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। हिस्टोरिक डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद वायलेशन ऑफ सॉल्ट लॉ। विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट? अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। देखिए डांडी मार्च हुआ 1930 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, ठीक है, 1930 में होता है डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में होगा। साइमन कमीशन आता है 1928 में इंडिया में, और गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। तो इन सब में सबसे पहला कौन सा होता है? फेब्रवरी 3, 1928 को ये आते हैं। मार्च 12 से डांडी मार्च शुरू होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को होता है, और गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को होता है। द डेट April 6, 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, तो इट इज़ नोन फॉर डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इनिशिएटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय टेकिंग अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट एट डांडी। सुभाष चंद्र बोस कंपेयर द मूवमेंट विद द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय नेपोलियन। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस मूवमेंट को कंपेयर किया था, जैसा कि नेपोलियन ने एक मूवमेंट शुरू किया था फ्रॉम एल्बा टू पैरिस। एन इंग्लिश न्यूज रिपोर्टर रिडिक्यूल्ड एंड सेड वेदर एन एम्परर कैन बी डिफीटेड बाय बॉइलिंग वाटर इन अ कैटल। सो एक इंग्लिश न्यूज रिपोर्टर ने इस जो एक्ट था पूरा उसको बहुत ही रिडिक्यूल तरीके से लिखा और बोला कि क्या कोई एम्परर सिर्फ पानी को उबालने से उसकी को डिफीट किया जा सकता है। सो दैट वॉज अ वेरी रिडिक्यूल स्टेटमेंट, ऑल दो इट अफेक्टेड द ब्रिटिशर्स अ लॉट। असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। द सॉल्ट एजुटेशन वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930। रीजन इसका दे रहे हैं, महात्मा गांधीज ऑब्जेक्ट वॉज टू मेक सॉल्ट अवेलेबल फ्री टू पुअर। देखिए फ्री तो नहीं करना था, एक तरीके से हम खरीद रहे थे तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा था। तो महात्मा गांधी बिफोर इनिशिएटिंग द मूवमेंट, महात्मा गांधी लेड 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ वाइसराय इरविन, इंक्लूडिंग द अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट लॉ, एंड गवर्नमेंट की मोनोपोली को ख़त्म करना उनका एक मेन मकसद था। ठीक है, कोई भी चीज़ फ्री मिले इसके फेवर में भी नहीं थे, ये था कि हाँ काम करके मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट की मोनोपोली को ख़त्म करना एक मेन मोटिव था। ठीक है, तो एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस ये शुरू हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये गांधी की डांडी मार्च से एसोसिएटेड है। अंडर असॉल्ट सत्याग्रह गांधी रीच डांडी। वाइल एड्रेसिंग द डोमेस्टिक एंड फॉरन जर्नलिस्ट ही सेड आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गांधीज डांडी मार्च? इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, ये सही है। मार्च टर्मिनेट होती है डांडी पे, एक विलेज है ये बिसाइड द सी नवसारी डिस्ट्रिक्ट में। महात्मा गांधी प्रिपेयर्ड सॉल्ट एट द सी शोर, नो, इट वॉज ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च। तो आफ्टर वायलेटिंग द सॉल्ट लॉ
गांधी डिसाइडेड टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस. सॉल्ट एक मेजर पॉइंट ऑफ मूवमेंट था बिकॉज इंग्लिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था इसको बेचना और इसको यूज़ करना, ऑक्यूपाई करना, उस पर टैक्स भी लगा दिया था, जिससे कि जो गरीब जनता थी वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्ट हो रही थी, बिकॉज नमक तो रोज़ाना की ज़रूरत है खाने की. महात्मा गांधी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया अपने वॉलंटियर्स के साथ साबरमती आश्रम से, और 390 किलोमीटर अराउंड ये चले, 241 माइल्स 24 दिनों में, गांधी आश्रम से लेके दांडी तक. वॉलंटियर्स ये पहुँचते हैं एंड सेरेमोनियली इन्होंने वायलेट किया, ना कि गांधी जी ने वहाँ किनारे बैठ के सॉल्ट बनाया. विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधीज दांडी मार्च? इट वॉज एन ऑल टुगेदर पेडेस्ट्रियन मार्च. ये सही है, साबरमती से दांडी तक हुई, 24 दिन तक कवर हुई, 15 मार्च को ये स्टार्ट होती है, नहीं ये 12 मार्च को स्टार्ट होती है. आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट? तो अब्बास तैयब जी ने इनको इनकी जगह ली. अब्बास तैयब जी लेड द मूवमेंट आफ्टर गांधी गॉट अरेस्टेड एट शोलापुर. वुमेन ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में. तो कौन लीडर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब्बास तैयब जी. वेयर वॉज महात्मा गांधी वेन अ रेड वॉज मेड बाई कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरसाना सॉल्ट डिपो? तो महात्मा गांधी जब धरसाना सॉल्ट डिपो पे रेड पर, वेन रेड वॉज मेड बाई कांग्रेस वॉलंटियर्स, जिसमें कि सरोजनी नायडू लीड कर रही थी, तो ये गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी यरवडा जेल में थे, जिसको वो एक मंदिर भी बोलते थे, बिकॉज आधा टाइम उन्होंने ऑलमोस्ट अपने स्ट्रगल का टाइम वहाँ पे गुजारा है. सो महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया 5 मई को 1930 को शोलापुर में, और उनको यरवडा जेल भेज दिया गया. और वेन रेड वॉज मेड बाई कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन धरसाना सॉल्ट डिपो, अब्बास तैयब जी ने मूवमेंट को लीड किया, सरोजनी नायडू ने धरसाना सॉल्ट डिपो वाले मूवमेंट को रेड को लीड किया 21 मई 1930 आफ्टर अब्बास तैयब जी गॉट अरेस्टेड. तो अब्बास तैयब जी भी जब अरेस्ट हो गए तो फिर सरोजनी नायडू ने इसको लीड किया. वेब मिलर एन अमेरिकन जर्नलिस्ट प्रेजेंटेड द डिटेल्स ऑफ दिस ग्रेट इवेंट. तो इसकी डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं, वेब मिलर देता है. आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो इनको इनका भी अरेस्ट हो जाता है, ही वॉज अरेस्टेड इन 1930, पहली बार ही अरेस्ट होते हैं. गांधी स्टेड द फॉरन जर्नलिस्ट इन ए साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च, ही वॉज वेब मिलर. तो वेब मिलर एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे जो कि गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहे थे इस मार्च के टाइम पे. ही रोट अबाउट द ग्रूसम पॉलिसीज एक्सेसेस एट धरसाना. एज अ रिपोर्टर आई हैव सीन न्यूमरस रिवोल्ट्स इन लास्ट 18 ईयर्स. आई हैव सीन रायट्स, कार्नेज इन द स्ट्रीट्स एंड रिवोल्ट्स, बट आई हैव नेवर सीन सच अ हॉरिबल इवेंट लाइक धरसाना. द नेम ऑफ द फॉरन जर्नलिस्ट हु रिपोर्टेड अबाउट सत्याग्रह एट धरसाना सॉल्ट वर्क्स वॉज वेब मिलर. ठीक है, तो वेब मिलर जो है ये देखिए धरसाना में गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं मई में, एंड ही वॉज अरेस्टेड एंड यरवडा जेल भेज दिया जाता है. तो उनके फॉलोअर्स से फिर अब्बास तैयब जी इसको लीड करते हैं. अब्बास तैयब जी भी जब हो जाते हैं तो आती है सरोजनी नायडू. ठीक है, तो दे मार्च ऑन धरसाना विदाउट हिम. गांधी एडवोकेटेड अ टोटल नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट. तो गांधी ने बोला था कि भाई जैसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ था वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, पूरे तरीके से नॉन वायलेंट होना चाहिए. एंड ही अर्ज्ड नॉट देम नॉट टू रेजिस्ट, नॉट टू इवन रेज अ हैंड टुवर्ड ऑफ द ब्लोज. अबव इज एन आई विटनेस अकाउंट बाय द इवेंट्स ऑफ धरसाना सॉल्ट वर्क्स एज डिस्क्राइब्ड बाय वेब मिलर. हु अमंग्स द फॉलोइंग अमेरिकन वर्स विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग द दांडी मार्च? तो ही वॉज वेब मिलर. हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज अ मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट इन अप्रैल 1930? सो ही वॉज तंजोर में जो किया वो थे राजगोपालाचारी. सो वेदरायम मार्च और वेदरायम सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. ये मार्च होती है अप्रैल 1930 को, एंड इट वॉज द सेकेंड ऑफ इट्स काइंड फॉलोड बाय दांडी मार्च ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी बोथ इन फ्रेमवर्क ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. वेदरायम मार्च जो थी इट वॉज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम अंडर द लीडरशिप ऑफ सी राजगोपालाचारी. ये त्रिचनोपोली में शुरू होती है और वेदरायम में ख़त्म होती है. एक स्मॉल कोस्टल टाउन था तंजोर में. बाय कलेक्टिंग सॉल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सी द मार्चेस ब्रोक द सॉल्ट लॉ. ठीक है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतकार ऑल्सो नोन एज रेड शर्ट्स कॉल्ड फॉर. सो दे कॉल्ड फॉर द पठान रीजनल नेशनल यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. तो खुदाई खिदमतकार को रेड शर्ट्स भी बोलते थे क्योंकि वो रेड लाल कुर्ती पहनते थे. ये वॉल्टियर ऑर्गेनाइजेशन था जो खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ही कॉल्ड फॉर पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म. दे ऑल्सो सॉट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वेज अर्नर्स. तो जो वेज अर्नर डेली वेज अर्नर्स थे उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना भी इनका एक मुद्दा था.
द मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिविल डिसोबीडियंस वाइल द मुस्लिम्स ऑफ अदर प्रोविंसेस दे केप्ट देमसेल्व्स अवे फ्रॉम द सत्याग्रह मूवमेंट. तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के मुस्लिम्स जो थे वो सिविल डिसोबीडियंस में साथ में थे, बाकी जो जगहों के मुस्लिम्स थे मोस्टली उन्होंने अपने आप को इससे अलग रखा था. मास सिटीजन मुस्लिम्स इसमें नहीं आए थे. देवर मुस्लिम्स बट एक मास के तौर पे वो नहीं पार्टिसिपेट किया था. रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर्स. द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान. इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है. द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन. तो गढ़वाल रेजिमेंट के सोल्जर्स ने रिवोल्यूशनरीज पर फायर करने से मना कर दिया था इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लीडरशिप थी चंद्र सिंह गढ़वाली की. द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड्स एट पेशावर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे. इट इज़ नोटिसेबल दैट खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज क्वाइट एक्टिव इन दिस एरिया एंड खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन या फिर लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन जो था इट वॉज एन आउटकम ऑफ हिज वर्क डन फॉर पीपल. दे प्लेड एन एक्टिव रोल इन द सिविल डिसोबीडियंस इंसिडेंट. हुज नेम इज एसोसिएटेड विद पेशावर इंसिडेंट. तो पेशावर के जो लोग थे उनकी जो लीडरशिप थी वो थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के हाथ में, और इन्होंने निहत्ते जो लोग थे क्राउड थे उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया. एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड दश रोजा पीरियोडिकल शुरू किया गया था अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा. ठीक है, तो दश रोजा पीरियोडिकल अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था. जियात्रंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो जियात्रंग मूवमेंट स्टार्ट हुआ मणिपुर में. सो द ट्राइब्स ऑफ मणिपुर ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ नागा ट्राइबल वेमेन गैडिनल्यू. इनको रानी गैडिनल्यू भी नाम दिया था बाद में पंडित जी ने. सो ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दिस मूवमेंट लेड बाय हर इज नोन एज जियात्रंग मूवमेंट. तो जियात्रंग मूवमेंट किसने लीड किया था? मणिपुर से रानी गैडिनल्यू. शी वॉज अ नागा ट्राइबल वेमेन. ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे अगर हमें दो वीडियोज बनाने होंगे तो. सो वी हैव ऑलरेडी डन 35 क्वेश्चंस. नो, देर आर नॉट मोर देन, ओनली 5 मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट, 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज अ पार्ट ऑफ. तो चौकीदारी टैक्स लगता था बेगूसराय में, उसके अगेंस्ट एजिटेशन शुरू की गई थी. ये पार्ट था सिविल डिसोबीडियंस का. देखिए अब ये क्या हो रहा था, अब ये अवज्ञा हो रही थी, हम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू सर्टेन थिंग्स. तो हम सविनय अवज्ञा कर रहे हैं, आपकी मान नहीं रहे हैं आपकी बात, अवज्ञा कर रहे हैं, ट्रू है, लेकिन कैसे कर रहे हैं, सविनय के साथ. सो ये भी उसी का पार्ट था. देन सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसने लीड किया? भागलपुर में लीड किया महादेव लाल सर्राफ ने. तो महादेव लाल सर्राफ, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी, इन्होंने लीड किया भागलपुर में. आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गेव इम्पोर्टेंस टू. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा. उसके बाद गांधी जी ने फिर से बोला कि अब पूरी जनता थक गई है, नाउ वी हैव अगेन डू सम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स. तो गांधी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. एंड इन अक्टूबर 1934 गांधी डिसाइडेड टू मूव अवे फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स. 1934 में गांधी जी ने अपना आपको एक्टिव पॉलिटिक्स से हटा लिया एंड पूरा टाइम उन्होंने हरिजन उत्थान के ऊपर दिया. सेप्टेम्बर 1932 में गांधी जी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाई हरिजन्स के वेलफेयर के लिए और एक मैगजीन भी, वीकली मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम भी था हरिजन. प्रभावती देवी, ये फ्रीडम फाइटर थी किस फील्ड की? तो प्रभावती देवी थी पटना से. द विमेन ऑफ बिहार सच एज प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी, राधिका देवी, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था फ्रीडम मूवमेंट में. प्रभावती देवी एक फ्रीडम फाइटर थी पटना से. तो देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट हो रही हूँ उसमें, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट एक तरीके के क्वेश्चंस हैं. जहाँ ज़रूरत पड़ रही है कुछ डिस्कस करने की, हम लोग एक्सप्लेनेशन से डिस्कस कर ही रहे हैं. सो आई थिंक आपके लिए एक क्विक रिविजन की तरह ही ये हो रहा है, बिकॉज बीच में कुछ एरियाज थे जहाँ हम थोड़ा स्लो चले थे, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट एक ही तरीके के क्वेश्चंस हैं तो यहाँ जल्दी निकला जा सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू बी अ बिट यू नो फास्ट एंड होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा. तो आप ऐसे ही सहयोग देते रहिए, पढ़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए. ठीक है, और कुछ भी चेंजेस अगर आपको लगते हैं कि होने चाहिए तो प्लीज़ वेलकम है आपका. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि क्या आप चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, क्या इसके बाद सब्जेक्ट आप चाहते हैं, प्लीज़ मेंशन कीजिएगा. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.